मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बम्बास्टिक साइड आई दिखाई। Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. I hope आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग जो है तकरीबन शाम के टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है आपको मलीर कैंट का क्विक सा ड्राइव थ्रू कराऊँगी, एंड अभी मैं निकली थी, ज़रा गोल्ड की शॉप पर जाना था, तो सोचा साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कैंट को भी और आप सबसे शेयर करती हूँ कि मलीर कैंट कराची दिखता किस तरह से अंदर से, एंड क्या क्या यहाँ पे है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से फूड चेन्स हैं। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, डोंट स्किप द वीडियो। इतना प्यारा लग रहा है ना, ये फॉल सीज़न बड़ा हसीन लगता है, स्पेशली ये शाम के टाइम में दरख्तों को देखें ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का टाइम है, व्लॉग मैं जो है तकरीबन 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है मलीर कैंट का क्विक ड्राइव थ्रू कराऊंगी एंड टूर कराऊंगी, विज़िट कराऊंगी, तो वो अभी मैं कराने लगी हूँ आपको। तो जी स्टार्ट होता है यहाँ सर्विस स्टेशन से, हम लेफ़्ट साइड पे जो है वहाँ सर्विस स्टेशन था, पीछे ये है फ्यूल पम्प, एंड वहाँ है CMH हॉस्पिटल, है ये CMH है, एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं बस, ये नई सर्विस स्टार्ट हुई है, बड़ी अच्छी जो है ना इनकी सर्विस है, बहुत कंफर्टेबल बसेस आएंगे। ये लेफ़्ट पे आपको जो है ना सारे ब्रांड्स नज़र आएंगे, ये बिल्कुल हमारे घर के करीब है, यहाँ आउटफिटर्स है, डंकन, फूड चेन्स एंड क्लोथिंग ब्रांड्स इकट्ठे ही यहाँ पे बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। खाड़ी की बहुत बड़ी यहाँ पे जो है शॉप है, बहुत बड़ी ब्रांच है। ये बड़ा क्यूट सा एक कॉफ़ी बार है, लिटिल विनीस, कभी आई नहीं हूँ, वो अलग बात है। इस टाइम जो है ना आसमान बड़ा हसीन लग रहा है, लेफ़्ट पे फुटसॉल है एक ये, एंड मुझे ये जो सामने मस्जिद अभी आएगी ना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना मस्जिद एंड जितनी भी ये होली प्लेसेस, जिस तरह मस्जिद हो गई या मदारिस हो गए, जो भी इस तरह की जगह है ना, मुझे इन पे वाइट पेंट बड़ा प्यारा लगता है, सिंपल वाइट पेंट, कुछ और नहीं। तो ये मस्जिद भी बिल्कुल कंप्लीट वाइट में है एंड बड़ी खूबसूरत लगती है, आई लव इट। वाओ, इतनी प्यारी लग रही है इस टाइम पे सनसेट के साथ। अच्छा, यहाँ पे और एक आ जाती है, फिर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे मज़ीद ब्रांड्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, फूड के हैं, शूज़ के हैं, एंड चैनवन भी है आगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना कैंट के अंदर ही सिर्फ आपको इतने खूबसूरत दरख्त और ग्रीनरी, लश ग्रीन हर तरफ नज़र आएगा, अदरवाइज़ कराची इटसेल्फ बड़ा ड्राई है, एक रेगिस्तान की तरह है, बिल्कुल भी यहाँ पे ना इतनी ग्रीनरी नहीं है बाहर। बाय द वे, मैंने आज नया अबाया पहना है, आई विल शो यू गाइस व्हेन आई विल फाइंड अ गुड मिरर कहीं पे। ये एक और पंप है। अच्छा, बहुत बड़ा है कैंट, बहुत जो है ना यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, फूड के, शॉपिंग के, बैंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे। ये फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है अंदर, यहाँ पे आपका हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, सब कुछ आपको अवेलेबल है यहाँ पे। कैंट रोस्ट, ये बड़ा फेमस है यहाँ का, यहाँ का चिकन रोस्ट बड़ा लेवल का है,
यहाँ जब हम लेफ्ट पे जाएंगे ना तो इम्तियाज आएगा और वो हम वापसी पे फिर दिखाते हैं आपको। एंड यहाँ पे आप जिस साइड पे टर्न लेंगे ना उस तरफ एक नया ही मतलब आपको पूरा कम्प्लीटली कुछ डिफरेंट ही नज़र एक्सप्लोर करने को आएगा। तो सामने सूरज देखे कितना प्यारा लग रहा है और कैमरे में बिल्कुल नहीं ठीक से आ रहा, कैमरा में रियल दिखने में बहुत बड़ा है साइज सूरज का इस टाइम। यहाँ पे बैंक्स हैं सारे, UBL है, अस्करी है, पीछे भी बैंक ऑफ पंजाब था, ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे। ओके ये एक और स्पॉट है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, बेकरीज भी। मज़े की बात है जो मेरी फेवरेट है ना, जहाँ से मुझे केक्स जिसके बड़े पसंद है डिलीजिया, तो वो भी हमारे कैंट के बिल्कुल ही करीब है बाहर। यहाँ पे बुक शॉप्स हैं, बुक शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ कैंट के अंदर। ये हम जिस एरिया में अभी आए हुए हैं ना इसको फोर डॉट कहते हैं। मलीर कैंट में जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे ना उनका नाम जो है ना वो यूनिक, हर नाम बड़ा यूनिक है यहाँ पे। यहाँ हम शाम में बड़ा आते थे, आगे भी आएंगे इंशाल्लाह जब तक हैं। तो यहाँ की वाइब शाम में बड़ी मज़े की होती है। सैलून्स, गिफ्ट शॉप्स, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिए हैं पीछे, गिफ्ट शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे एंड बहुत चीज़ें मैंने परचेज की हैं यहाँ से। सईद गनी की शॉप भी है, मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ, मैंने एक ही दफ़ा इम्तियाज़ से इनकी एक दो प्रोडक्ट्स ली थी और मैं बड़ी उससे जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, मुझे सूट नहीं की थी, तो शॉप पे भी मैं कभी नहीं आई इनके। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये खान जी के जो फेमस रोल हैं, मस्ट ट्राई दिस इफ यू आर लिविंग इन कैंट। ये सामने जो है ना आपको नज़र आ रहा है रियल स्पाइस, इन्होंने शेड लगा दिया, शेड नहीं था ऊपर है ना। दिस इज द मोस्ट फेमस बेकरी रहमत शीरी एंड यहाँ पे इनके साथ एक और अभी खुला है पिज़्ज़ा शॉप खुल गई है एंड ये भी सामने आइसक्रीम का बार है। द बैग दैट आई एम कैरिंग इज फ्रॉम लाइमलाइट और ये जो है तकरीबन 5 साल पुराना बैग है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, मैंने इसको बहुत रफ यूज़ किया है, हर जगह मैं इसको जो है ना फ़ौरन से उठाती थी एंड निकलती थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ ना तो इसका जो है ये ऊपर था अंदर से भी बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ पे ये कौन सी जगह है, शोहदा मोनूमेंट है ये। अच्छा मज़े की बात ये है कि गोल्ड की शॉप पे मैं क्यों जा रही हूँ, गोल्ड की शॉप पे मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ दिला रहे हैं एंड आई डोंट नो कि वो क्या गिफ्ट करना चाह रहे हैं, सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड। ओह वाओ यम यम, रहमत शीरी से लाए हैं। और क्या है हमारे पास, समोसे हैं। अच्छा ये तो आपके मतलब की चीज़ है, स्वीट मेरे मतलब भी ये चीज़ है। ये देखें बच्चों को मार्शल आर्ट्स भी सिखा रहे हैं यहाँ पे, वॉकिंग ट्रैक भी है एंड इसी के पैरेलल लेफ्ट में ना फुटबॉल फुटसॉल है बहुत ह्यूज। यहाँ पे बच्चों को जो है ट्रेन करते हैं, फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं एंड
सामने नजर आ रहे होंगे आपको, कोच होते हैं बेसिकली यहाँ पे, फीमेल्स भी हैं, अगर आपकी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी इजी है यहाँ पे, रिलायबल है आई मीन। ये सारा एरिया जो है ना कैन बाजार है, एंड फ्रूट्स की शॉप, कपड़े की शॉप, शूज, सब कुछ, स्टेशनरी से लेकर बैंक, एटीएम, सब कुछ है यहाँ पे, एंड रीजनेबल है, लाइक इतना आपको जो है ना अब मिल जाती है आपको यहाँ से चीज़ जो भी आपको चाहिए होती है। फार्मेसीज हैं, मोबाइल शॉप्स हैं यहाँ पे, जनरल स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, टॉय शॉप्स हैं, बीच बीच पे ना यहाँ पे जो एक ये सामने पान शॉप नज़र आ रही है आपको, ये पता नहीं लोग कैसे खाते हैं पान, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ यस, ये जो फूड शॉप है ना हम यहीं से फूड लेते हैं, दिस इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट फूड शॉप। ये जो सामने देख लिया ना, ये पहले कहीं और थी, अब यहाँ पे आ गई है। इस साइड पे भी गोल मार्केट सी है, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे ये क्लॉथ हाउस है, यहाँ पे बहुत वैरायटी है कपड़े की, जेंट्स की शॉप है ये, एंड यहाँ से जेंट्स के हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं आपको, सर्दियों का, गर्मियों का स्टफ सब कुछ मिल जाता है। ये दुपट्टों की शॉप है, फ्लावर शॉप है ये। सो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, एंड हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आए, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे, मैंने गाड़ी में ही पढ़ ली। एंड मुझे क्यूरोसिटी इस चीज़ की है कि व्हाट्स इनसाइड दिस बॉक्स, इन्होंने अपने लिए स्वीट में क्या लिया है। सो लेट्स सी, मैंने टेप तो हटा दी है, अभी भी थोड़ी बहुत साइड से जो है ना लगी हुई है। ओ वाओ, यम, उफ़, ये वाले काम करते हैं ना फिर रिजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और जब ये वाले काम करते हैं कोई कैसे रिजिस्ट कर सकता है इसको। अब ये ख़ुद खाएंगे इसको, एंड मैं देखूंगी इनको, हो सकता है मैं भी खा लूँ। फिलहाल ये है गाइस, खा तो मैं लूँ, बट मैंने ना तकरीबन एक महीने से वॉक छोड़ी हुई है, और डर के मारे मैं वेट मशीन पे भी नहीं चढ़ रही हूँ कि मेरा वेट बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि मैं बस खा रही हूँ, पी रही हूँ, एंड उसको एग्जर्ट नहीं कर रही हूँ, खा पी भी सेंसिबल ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो सामने आ रहा है खा रही हूँ। हाँ ये है कि बाहर निकले होते हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना, लाइट नहीं सही आ रही है, एक मिनट। अच्छा ये है कि बाहर जब कहीं निकले होते हैं तब थोड़ा ये है कि मैं ख्याल से नहीं खाती, अदरवाइज घर पे थोड़ा सा तरीके से खा रही हूँ। स्टिल मेरी जो बॉडी की टेंडेंसी है ना वेट गेन करने की, वो बहुत एक क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, बिलीव मी। मैं बहुत क्विकली वेट गेन भी करती हूँ और बहुत क्विकली रिड्यूस भी कर सकती हूँ, तो प्लस पॉइंट भी है ये एक तरह से कि जब जैसा चाह रही होती हूँ तो बॉडी को उस तरह से मोल्ड कर सकती हूँ। अदरवाइज बहुत से लोग होते हैं कि उनसे लिटरली वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा होता, बेशक वो जितनी एफर्ट कर लें, जो कुछ कर लें, उनका टस से मस नहीं होता वेट। बट मेरा ये है कि विद इन वन वीक मैं अगर चाहूँ तो मैं 2 kg आराम से कम कर लेती हूँ, या हाँ 2 kg तकरीबन मेरा कम हो जाता है, मज़े से, ओवर एग्जर्ट करके भी नहीं, मज़े से। ओवर एग्जर्ट तो अगर करूँ ना तो तब तो 3 kg तो आराम से चला जाता है मेरा। फिर ये है कि फ्लॉ ये है ऐसी टेंडेंसी होने का बॉडी की, कि फिर वो आपका गेन भी उसी तरह से जल्दी होता है, तो ये एक ड्रॉबैक है, तो आई हैव टू डील विद इट, क्या कर सकते हैं। एनीवेज मेरे अब दिमाग में ना ये लेकर आया ना, इसका पता नहीं नाम क्या है, लेकिन मेरे ना अब दिमाग में घूम रहा है, और डबल माइंडेड हूँ कि मैं ये खाऊँ या ना खाऊँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और वो अगर खाएँगे तो मैं भी खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। यहाँ है, मैंने यहाँ रख दिया डैशबोर्ड में, ये ले। यार अब बंदा इसको कैसे रिजिस्ट करे, ये आप क्यों लेकर आए हैं?
है। ये आप ना भी लाते ना तो भी काम चल जाता, वो बाकी जो स्नैक्स वगैरह लिए थे। वाओ मैं अभी रिसेंटली अम्मी से मिली हुई थी एक दो दिन पहले, तो उनसे मैं कह रही थी कि ये भिजवाएं, फिर मैंने खुद ही मना कर दिया ये सोच के कि यार फिर वो भेज देंगी और खाती जो हूँ ना फिर मैं सबसे ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट होने का वो होता है कि दिल दुखता है कि वेस्ट हो रहा है। सो खा लेते हैं यार एक चम्मच। हाँ ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है बट ये एक्सपेंसिव है, जो बहुत थोड़ा जो है ना आपको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, वो वाला जब आता है ना तो वो बहुत काफ़ी होता है और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता टेस्ट का, होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बम्बास्टिक साइड आई दिखाई कि बहुत फ़र्क है। ओके ये लास्ट है, खोया टाइप है। वाओ यम्मी। अच्छा अब ये लास्ट है, वो सेकंड लास्ट था, ये बिल्कुल लास्ट है। नाम बताया इसका, इसका क्या नाम है, मुझे नाम नहीं आ रहा था। सोनी देखिए ये टॉप से सारे, ये वाला था मेरे पास पहले एंड ये, हाँ ये बहुत ब्राइट है, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये क्यों ऐसे आ रहा है। अच्छा अभी तक ना मैंने ये तीन शॉर्टलिस्ट की हैं एंड इनका वेट अभी चेक कराते हैं, फोकस नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। बाकी इनके पास काफ़ी वैरायटी है। पॉइंट थ्री सेवन आपकी 360 की थी, ये कराया ना